संकीर्तन की शील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवत गीता नौवां अध्याय श्लोक संख्या 30। अपि चेता सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सा अपि चेता सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि सा ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की। इस श्लोक में भगवान बताते हैं जो मेरे भक्त हैं, पहले भगवान ने कहा कि मैं सभी के प्रति सम हूँ। समूहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिया जे भजंती तु माम भक्त्या मई तेतेषु चाप्यहम। सामान्यतः भगवान सभी के लिए प्रिय हैं, सभी के लिए सम हैं, लेकिन जो भगवान की विशेष भक्ति करता है श्रवण कीर्तन के माध्यम से, तो भगवान कहते हैं चूंकि वह भक्त मुझे अपना समझता है तो मैं भी उसे अपना मानता हूँ। मई ते वह मुझमें वास करता है, उसका मन मुझमें अनुरक्त होता है, तो अपि तेषु चाप्यहम तो मैं भी उसमें अनुरक्त रहता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल भक्त ही भगवान में रुचि लेते हैं, भगवान भी भक्तों में रुचि लेते हैं, यानी कि भगवान भी पक्षपात करते हैं भक्तों के साथ। भगवान कहते हैं केवल इतना ही नहीं, यदि मेरा अनन्य भक्त कभी दुराचार करते हुए भी पाया जाए तो भी उसको साधु समझना चाहिए। यानी भगवान एक स्टेप और आगे जाकर कहते हैं कि ऐसा सुदुराचार में यदि लिप्त कोई साधु आपको दिखे तो भी उसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। अपि चित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, लेकिन एक शर्त रखी भगवान ने, उसको अनन्य भक्त होना होगा। तो अपि मीन्स भी, चित मीन्स अगर कोई, सुदुराचारो यानी दुराचारियों में भी कोई दुराचारी हो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, एक शर्त क्या है, भजन कैसा होना चाहिए, अनन्य भजन होना चाहिए। तो यहां जो दुराचार है वो जानबूझकर किया गया दुराचार नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर भी पाप कर्म करे और फिर भी कहे कि मैं तो साधु हूं, भगवान ने गीता में कहा है साधु रेव समन्तव्य। साधु रेव इव मीन्स निश्चित ही वह साधु है, स वह मंतव्य मानना चाहिए, सम्यग व्यवसितो ही स, जिसने संपूर्ण रूप से निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ, जिसने अनन्य भगवान का आश्रय लिया है। यहाँ पे शब्द आया भजते माम अनन्य भाग। मैंने पहले भी अनन्य शब्द की परिभाषा बताई है। अनन्य का अर्थ क्या है, अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जिस भक्त ने भगवान के अतिरिक्त किसी का आश्रय नहीं लिया, यानी ना तो देवी देवता का आश्रय लिया,
ना कर्म कांड का आश्रय लिया, ना ज्ञान कांड, उपासना कांड, अन्य किसी साधन का आश्रय नहीं लिया। केवल जिसने श्री कृष्ण का ही आश्रय लिया हुआ है उसे कहते हैं अनन्य भक्त। तो ऐसा भक्त यदि दैववशात पूर्व संस्कारों के कारण यदि कभी दुराचार करता है, यद्यपि अनन्य भक्त है तो फिर दुराचार कैसे करेगा? यदि कोई अनन्य भक्त है तो फिर दुराचार तो संभव ही नहीं। फिर भी यदि हठात आकस्मिक कुछ ऐसा हो जाए तो समझना चाहिए फिर भी वो साधु है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, ये चंद्रमा में जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, तो चंद्रमा में यदि धब्बा दिखाई दे से चंद्रमा की सुंदरता कम नहीं होती, फिर भी सुंदर से सुंदर चीजों की तुलना चंद्रमा से की जाती है। तो यदि कोई भगवत भक्त है, अनन्य भक्त है, जिसने निश्चयात्मिका बुद्धि के साथ एक निष्ठ भाव से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, फिर भी उसमें कोई दोष दिखाई दे तो उस दोष के कारण उसका उपहास नहीं करना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये दोष बहुत क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि ऐसे दोष को मैं तुरंत ही दूर कर देता हूं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, स्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ता प्रणश्यति, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, स्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि, न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम यानी कि शीघ्र, तुरंत भवति हो जाता है धर्मात्मा। यद्यपि उसके अंदर कुछ दोष दिखाई दे रहे हैं पर भगवान की कृपा से भजन में लगे होने के कारण, भजन के प्रभाव से, और विशेष रूप से यदि गलती करता है भक्त तो अनुताप करता है। एक भक्त में और एक संसारी भौतिक चेतना में लीन रहने वाले व्यक्ति में अंतर क्या है? जो संसारी व्यक्ति है वो गलती करने के बाद पहले तो मानता नहीं कि मैंने गलती की है, और गलती हो भी जाए तो कोई प्रायश्चित नहीं करता। लेकिन भक्त यदि कुछ गलती कर बैठता है तो उसको अनुताप होता है। अनु मीन्स पश्चात, ताप मीन्स जलन, उसको हृदय में ग्लानि होती है कि मैंने गलत कार्य किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर अपने आप को इस प्रकार से कोसता है कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ। तो इस प्रकार के अनुताप करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। इसीलिए यदि हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं तो उसके बाद हमें प्रायश्चित करना चाहिए। हालांकि भगवत भक्त अलग से कोई प्रायश्चित नहीं करते, वो बस भगवान के सामने आकर ऐसे अपनी गलतियों को व्यक्त करते हैं और भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, यही प्रायश्चित पर्याप्त है। तो इस प्रकार अनुताप करने से भगवान उसे कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वह धर्मात्मा बन जाता है। हो सकता है पहले वो कामात्मा था, पहले पापात्मा था, पहले दुरात्मा था, लेकिन अभी क्या है? वो धर्मात्मा है। साथ ही साथ शाश्वत शांतिम निगच्छति, वह शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, यानी कि नित्य शांति को प्राप्त करता है। तो ऐसी शांति केवल और केवल भगवान के भक्त बनने से प्राप्त होती है, है ना। संसार में कोई कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, कितनी भी उपलब्धियों को क्यों ना हासिल कर ले, बड़ा से बड़ा राजनेता बन जाए, बड़ा से बड़ा फिल्म अभिनेता अभिनेत्री बन जाए, या किसी खेल कूद में बहुत बड़ा उसकी ख्याति हो, लेकिन इससे शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होती है, हमेशा तनाव बना रहता है। शांति के सूत्र में भी भगवान ने 5वें अध्याय में क्या कहा है कि जो व्यक्ति सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति विहाय अकामान्य सर्वान, भगवान 2वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहते हैं विहाय अकामान्य सर्वान पुमां शरति निष्प्रिय निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ऐसा व्यक्ति शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, लेकिन ऐसी शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भजन करने होंगे। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन से कहते हैं हे कुंती नंदन, ये नाम भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस नाम से भगवान की बुआ लगती है कुंती देवी, और बुआ भी उनकी महान भक्त हैं।
एक तो अर्जुन को संबोधित करते हैं कौंतेया, कुंती नंदन, साथ ही साथ कुंती महारानी के साथ जो प्रेम का संबंध है, क्योंकि महान भक्त होने के कारण उनका भी स्मरण करते हैं श्री कृष्ण। पूरी गीता में 24-25 बार कौंतेय शब्द भगवान ने व्यवहित किया है अर्जुन को संबोधित करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं यह शब्द श्री कृष्ण को कितना प्रिय है। तो भगवान कहते हैं कौंतेय प्रतिजानी ही यानी कि प्रतिज्ञा करो, तुम घोषणा करो। क्या घोषणा करो? नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, मेरे भक्त कभी नष्ट नहीं होते। तो कोई पूछ सकता है कि भगवान ने अर्जुन के द्वारा क्यों प्रतिज्ञा कराई, क्यों अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो? क्योंकि भगवान कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। भक्तों की प्रतिज्ञा को रखने के लिए, जैसे भगवान ने प्रतिज्ञा की थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, लेकिन जब देखा कि अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह ऐसे वाणों की वर्षा कर रहे हैं, उस दिन उन्होंने प्रण किया था कि सूर्यास्त के पहले मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। लेकिन उस दिन भक्त की रक्षा भी करनी है, तो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने वो पहिए उठा लिया और ऐसे दौड़ पड़े सिंह के समान भीष्म पितामह को मारने के लिए। और इधर भीष्म पितामह देखकर भगवान के स्वरूप को प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अस्त्र उठा लिए। तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें देखकर भीष्म पितामह और अत्यधिक इनकी प्रसन्न हो रहे थे। देखो कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों का पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा पत्थर पर खींची गई लकीर के समान है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को रखते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं तो पतन नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसका क्या अर्थ है कि भक्ति शाश्वत संपदा है। यदि हमने इस जीवन में 50% भक्ति की है तो अगले जीवन में 51% से प्रारंभ होगी। हर जीवन में वो भक्ति हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड आगे चली जाती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कोई प्रारंभ से ही कोई बच्चा बहुत आसानी से भक्त बन जाता है और किसी को कितना भी समझाओ बुझाओ नहलाओ धुलाओ खिलाओ पिलाओ, लेकिन फिर भी उसे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई नियंता है, हमें भगवान के प्रति शरणागत होनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कारण क्या है? अभी अभी इसका एडमिशन हुआ है, अभी समय लगेगा इसे भक्ति करने में। तो अशांति का मूल कारण क्या है? हृदय में भोग वासनाएं, सुख की तलाश। लेकिन भक्ति करने से सर्वोत्कृष्ट सुख प्राप्त हो जाता है, तो शांति का पाना तो स्वाभाविक ही है। तो भक्तों के लिए शांति ढूंढने बाहर नहीं जाना, बस भक्ति करते रहो, परम शांति की अनुभूति होगी। लेकिन जिन्हें भक्ति के विज्ञान का कोई पता नहीं, वे लोग शांति की तलाश में भटकते रहते हैं। तो भगवान यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं चाहे मेरा भक्त कभी आकस्मिक पूर्व संस्कारवश कभी चोरी करते हुए पाया जाए, कभी गुस्से में आ जाए, कभी कुछ बोल दे, असत्य भाषण कर दे, या अन्य कोई दुराचार भी कर बैठे, तो उसके लिए उसे निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ भगवान ने भी कहा कि अनन्य भक्त होना चाहिए। इसकी आड़ में ऐसा नहीं कि हम बस पाप कर्म भी करते रहें और सोचे कि इतने करने के बाद भी हम तो भक्त हैं, हम तो साधु हैं। साधु की वास्तविक पहचान क्या है? उसका भजन। यदि वो भजनशील है, फिर कोई यदि आकस्मिक कोई गलती कर बैठता है तो वो क्षम्य है। उसे गलती के कारण साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, ऐसा साधु भी वंदनीय है। हमें ऐसे भक्तों का भी संग करना चाहिए। शील प्रभुपाद की जय।